श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896, भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट, विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम, यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय शरण भक्ति विह्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मुट्टीलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय शरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय शरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है, इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं, अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं, अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्वर स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं,
भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी। युद्ध के पश्चात अभयचरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है। उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो, यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो, और मदिरा मंस आदि खाते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले गए। तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विस्तार नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना होगा, वहां लोग मुझे मिलेंगे, जब लौट कर आऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चलेगा। परंपराओं के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्ययुगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते। उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यहीं वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्ति वेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्ति वेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के कोष को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नियमित मिलते हैं। श्री जैन उनके विषय में कहते हैं, फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला। वो मेरे पास बैक टू गॉड हेड के मुद्रण के संबंध में आए थे। मैंने अनुभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है। वो मेरे प्रेस में प्रायः रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयं ही करते। वे एक समर्पित व्यक्ति थे और बात के धनी। जब कभी वे मुद्रण की राशि नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता, आप ये सब क्यों करते हैं, इसे बंद कर दीजिए। और वे गंभीरता से उत्तर देते, नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुरेंद्र कुमार जी, आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 1964 तक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। सुमति मुरारजी के शब्दों में, और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, स्वामी जी आप वहां मत जाइए, आप वृद्ध हो गए हैं, वहां की सर्दी आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसलिए मैं मान गई। मैंने जलदूत जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया, उन्हें श्लोक सुनाए
और प्रसाद बांटा। भक्ति वेदांत स्वामी एकाकी याचक की भांति लगभग आधा विश्व भ्रमण करते हैं। इस समय उनकी पूंजी भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश और हरिनाम में उनकी आस्था है। जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परीक्षा सिद्ध होती है। भक्ति वेदांत स्वामी समुद्री जल रोग से पीड़ित होते हैं। उनकी छाती में असह्य पीड़ा होती है। दो दिनों में दो बार हृदयाघात होता है, परंतु वे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और लिखते हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु वृंदावन से अलग होना मुझे खल रहा है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 17 सितंबर 1965 जलदूत बोस्टन बंदरगाह के तट पर रुकता है। जहाज पर ही भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस क्षुद्र व्यक्ति पर असीम कृपा है, परंतु मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन की भौतिकता में डूबे हैं। मैं किस भांति उन तक आपका संदेश पहुंचाऊंगा? मैं तो केवल आपके शब्द दोहरा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बात उन्हें समझा सकूं। न मैं भक्त हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, परंतु मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है। यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्ति वेदांत सार्थक कर पाऊंगा। और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं, अत्यंत दीनहीन भिक्षुक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी सर्वप्रथम बटल पेंसिल्वानिया में रुकते हैं। अपने एक मित्र के पुत्र गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली के मकान को अपना निवास बनाते हैं। शैली के शब्दों में, स्वामी मेरे ससुर के मित्र थे। मेरे ससुर श्री अग्रवाल भारत में आगरा के निवासी थे। उनके कहने पर मैंने स्वामी को सहयोग दिया। वे आधी रात के समय हमारे घर आए और लगभग एक माह हमारे साथ बटलर में रहे। मैंने उन्हें अपने ससुर की तरह ही स्नेह और सम्मान दिया। वे भावुक और दयालु थे। वास्तव में मैंने अपने जीवन में वैसा असाधारण व्यक्ति नहीं देखा। स्वामी जी के पास गिनी चुनी वस्तुएं थीं, पीठ पर थोड़े से कपड़े, एक टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें तथा एक थैली में अनाज, बस यही उनका सामान था। कल्पना कीजिए, विश्व के दूसरे छोर पर आए व्यक्ति के पास बस इतना सामान। परंतु मैंने अनुभव किया कि उनके भीतर बहुत कुछ था। स्वामी जी अपने साथ एक छोटी कड़ाही भी लाए थे जिसमें अपना भोजन बनाते थे। अपना ही क्यों, वे हमारा भोजन भी बनाते थे। हमारा बच्चा केवल 6 माह का था जब वो आए, और जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ उसे खड़ा देखकर वे हंसे थे, खूब हंसे थे। ऐसी हंसी जो निश्चल होती है, सारे विश्व को मोह लेती है। उनके एक माह के संपर्क में मुझे ऐसा आनंद मिला जैसा आनंद पाने की कामना मैं हमेशा करती हूँ। बटलर में भक्ति वेदांत सुविधा पूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्री कृष्ण की भावना का प्रसार विश्व के श्रेष्ठतम नगर न्यूयॉर्क से प्रारंभ किया जाए। वे वहां से 100 वेस्ट में 72वें मार्ग पर रहने आते हैं। 3 माह पश्चात उनका टाइपराइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने बाद में कहा, मैं संकट उठाकर अमेरिका आया, शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण, कभी यह भी नहीं सोचता कि कहां रहूं, और फिर उसके ऊपर वहां का भयानक शीत। यूं तो मैं 1 वर्ष अकेला था, परंतु मैंने अकेलेपन का कभी अनुभव नहीं किया। मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं, इसलिए सारी कठिनाइयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया। भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका उस दशक में पहुंचे जब सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त था। जाति भेद को लेकर वियतनाम में चल रहे युद्ध के प्रति असंतोष था। असंतोष उन स्वार्थमय नीतियों के कारण भी था जो देश विदेश में चलाई जा रही थी। दुशासन से निराश होकर वहां के तरुणों ने एक विरोधी संस्कृति का सूत्रपात किया था। जब भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे, वहां तत्कालीन परिस्थिति के प्रति एक विद्रोह था और लोग विकल्प की खोज में लगे थे। भक्ति वेदांत स्वामी कुछ दिन बावेरी में अपने एक मित्र के घर में कोठे में रहते हैं। मुकुंद स्वामी, जो इस समय उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहते थे, अपनी प्रथम भेंट के विषय में कहते हैं। मुकुंद गोस्वामी के शब्दों में,
वो बहुत मोटे कांच का चश्मा लगाते थे और एक संस्कृत की पुस्तक सदैव उनके सामने खुली रहती थी। उनकी वाणी गंभीर थी जो प्रतिध्वनित होती थी। वे साधिकार बोलते थे और उनका संस्कृत श्लोकों का पाठ मधुर होता था। स्पष्ट रूप से वे अद्वितीय विद्वान थे। भव्य व्यक्तित्व था, परंतु रहने का स्थान जानकर मुझे उनके प्रति उत्सुकता हुई। बावेरी न्यूयॉर्क में अत्यंत साधारण स्थल था। इसके बाद चर्चा के लिए मैं उनसे मिला। मैं खड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे एक अबोध बालक की तरह। मैंने अनुभव किया वो मुझे समय दे पाएंगे। वैसे भी उन्हें समय की कमी नहीं थी। मैंने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। इसके कुछ दिनों बाद वे पड़ोस के सेकेंड एवेन्यू में चले आए। हमने उनकी सहायता की और उन्हें एक छोटा सा स्थान रहने को मिल गया, जिसमें पीछे की ओर एक स्वतंत्र कमरा था और सामने एक दुकान की रूपरेखा। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दुकान का भ्रम कराने वाला सेकेंड एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में था और चारों ओर हिप्पियों से घिरा था, एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर में परिवर्तित हो गया। मुझे स्मरण है वहां एलन गिल्सबर्ग ने आना शुरू किया था। उनका लोअर ईस्ट साइड में आना ही उनके सामाजिक मूल्यांकन का प्रमाण था। वहां की परिपाटी थी कि स्वामी, योगी और महत्वपूर्ण गुरुजन शहर के उस ओर ठहरते थे जहां उन्हें पूंजीपतियों का सहयोग और सहायता मिलती थी। उसी ओर एक शानदार भवन में कृष्णमूर्ति रहते हैं और फ्रांस में बनी सामग्री का उपयोग करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी का स्थान तो कलकत्ते की गलियों का स्मरण कराता है। वहां तो हिप्पी भी हैं जो कलकत्ते में नहीं। वास्तव में वे उपयुक्त स्थान पर ज्ञान का प्रकाश और आत्मा का संगीत ला रहे हैं, यही उसकी आवश्यकता है। उस स्थान की एक विशेषता और है, सन 60 के दशक में वो बौद्धिकता का केंद्र था और अब लगता है कि बौद्धिकता वहां लौट रही है। मुझे एक मित्र ने सूचना दी कि टॉमकिंस स्क्वायर में तृतीय गुरुवार को एक स्नेह उत्सव है। मुझे याद आया कि मैं भी किसी योग्य गुरु की खोज में हूँ, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने वहां भेज दिया। मैं उनसे मिला, कुछ प्रारंभिक औपचारिकता हुई और मैंने समझ लिया कि स्वामी जी के मन में कुछ अवश्य है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, मैं सितंबर 1965 में अमेरिका आया। सड़कों पे भटक रहा था, कुछ बालकों ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरे पास आए। मेरा उद्देश्य भगवान श्री चैतन्य का दर्शन समझाना है। चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप की आध्यात्मिक ध्वनियों से मानसिक विकार दूर होते हैं। ये ध्वनियां आत्मा की गहराई से निकलती हैं, अतएव इनका प्रभाव सब पर एक सा होता है, चाहे वो किसी भी भाषा, देश अथवा जाति का हो। Because it is coming forth from the depth of the soul. बाद में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण कुछ योजना बना रहे थे, तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए। तुम सब निष्कपट हो,
अतएव भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसात कर सकोगे। अब मैं समझता हूँ वो सब चमत्कार था, अन्यथा एक वृद्ध जो पुस्तकें बेचकर क्षुधा शांत करता हो, जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हो, वो कैसे भौतिकता में डूबे समाज में भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है। भक्ति वेदांत स्वामी के लिए ये सुखद समय था। एक तरुण की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्ण आंदोलन जनता के समक्ष लाते हैं। उद्यानों में जाप करके बैक टू गॉड हेड की प्रतियां वितरित करके रविवार को निःशुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके वे असंख्य लोगों को आकर्षित करते हैं। भविष्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है, उसके प्रसार के आसार स्पष्ट होते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन पनपने लगता है। Sometime in the spring of 1967, people handed me clippings. 1967 के वसंत में मुझे कुछ व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों की कतरनें दी। उनमें न्यूयॉर्क में आए एक स्वामी का उल्लेख था, अतएव मैं उनसे मिलने और उनके आंदोलन को समझने वहां गया। मैं पहले उनके शिष्यों से मिला और मैं स्पष्ट कहूं, भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्यों से मिलकर मुझे निराशा हुई। उनका ज्ञान अधूरा था और अपने लक्ष्य के विषय में वे भ्रमित थे, परंतु एक बात अवश्य थी, वो सभी गंभीरता से समर्पित थे। मैं उनके ये दो विरोधी पक्ष, एक ओर अनियमितता और दूसरी ओर संपूर्ण समर्पण, तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं भक्ति वेदांत स्वामी से नहीं मिला। और जब मंदिर में कई बार जाने के बाद उनसे मिला, तब मैंने स्पष्टता जाना कि केवल इन्हीं के कारण यह आंदोलन प्रगति कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे स्वयं को इन गतियों का केंद्र नहीं बताते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अमुक काम मेरे लिए करो। वो हमेशा कहते कि मुझे और आपको ये काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। वो प्रायः ऐसे काम कहते थे जो करने वालों को असंभव लगते थे। उन्होंने अपने एक प्रारंभिक शिष्य से एक पत्रिका शुरू करने के लिए कहा। उसने पत्रिकाएं पढ़ी थी, परंतु पत्रिका के प्रकाशन से वो अनभिज्ञ था। उसने कहा, मैं ये कैसे करूंगा? भक्ति वेदांत स्वामी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर भी वो भयभीत था, न उसके संपर्क थे, न उसमें लोगों का विश्वास जीतने की क्षमता थी। परंतु स्वामी जी उसमें विश्वास जगाते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मार्गदर्शक हैं, वे ही आगे बढ़ाएंगे और वे ही हर कार्य करने की शक्ति भी देंगे। भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्क के नहीं हुए थे, वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के थे। इसलिए जब उनके अनुयायी उन्हें सैन फ्रांसिस्को बुलाते हैं, तो वो वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां के निर्द्वंद तरुणों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। उनकी पुरातन संस्कृति, उनका आध्यात्मिक भोजन, उनका हृदयगत जाप और सदैव उच्च आदर्शों का महत्व समझाते हैं। फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एशबरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है। मंत्र की गूंज में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। में भक्ति वेदांत स्वामी निष्कपट अनुयायियों को एकत्र करते हैं और हरे कृष्ण आंदोलन गतिमय होने लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी को लोग सम्मान से प्रभुवाद कहने लगते हैं, जिसका अर्थ उन चरणों से है जिनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं। मॉन्ट्रियल से प्रभुपाद छह शिष्यों को मंदिर की स्थापना के लिए लंदन भेजते हैं। यमुना देवी दासी स्मरण करती हैं। So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna, तो हम लोग लंदन पहुंचे। हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं था। हम भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे। हमारे पास वो उत्साह था जो श्रील प्रभुपाद ने हमें मॉन्ट्रियल में प्रदान किया था। वही विश्वास और उत्साह लिए हम जॉर्ज हैरिसन के पास गए, जो उस समय बीटल्स के सदस्य थे। वो इतने मनोहर व्यक्ति थे कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनते ही हमसे घुल मिल गए और बोले, हम उस मंत्र का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने रिकॉर्ड तैयार किया, उन्होंने उसमें पार्श्व संगीत भी दिया। रिकॉर्ड जनता के मध्य आया और एप्पल ने हमारे भ्रमण का कार्यक्रम बनाया।
हम जर्मनी और फ्रांस गए। दूरदर्शन ने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। संडे टाइम्स पत्र ने हम पर आलेख प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की और हमने श्रील प्रभुपाद को तार से सूचित किया, कृष्ण भावना से लंदन चकित। कृष्ण भावना के दार्शनिक यश से प्रभावित होकर जो भी श्रील प्रभुपाद के पास शिष्य होने आता था वो इसे स्वीकार करते थे, हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर नहीं, वरन योग्यता और सच्चाई के आधार पर उसे ग्रहण करते थे। भारतीय आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस दुष्टर कार्य की ओर किसी ने साहस भी नहीं किया कि पाश्चात्य देशवासियों को परिवर्तित कर उन्हें पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाए। परंतु अपनी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा से वे सफल हुए, ऐसे सफल हुए जैसी उन्हें स्वयं भी आशा नहीं थी। यह आंदोलन कितना पुराना है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह लगभग 5000 वर्ष पुराना है। क्यों पाश्चात्य जगत अब इसकी ओर आकर्षित हो रहा है? इधर कुछ वर्षों से ही पाश्चात्य जगत पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा क्यों? पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी निराश और कुंठित है, हिप्पी आंदोलन इसका प्रमाण है। इसलिए जब उन्होंने कोई वास्तविक आधार पाया तो उसे ग्रहण कर लिया। यदि संपूर्ण संयुक्त राज्य श्री कृष्ण पर उतना ही विश्वास करने लगे जितना आप करते हैं तो इस देश का क्या होगा? इसमें क्या परिवर्तन होगा? लोग अत्यंत प्रसन्नता और शांति से रहेंगे, उसके बाद यहाँ हिप्पी नहीं रहेंगे। आप हिप्पी किसे कहते हैं? वो जो धूम्रपान करता है। आप मुझसे अधिक जानते हैं, कुछ असामान्य विलक्षण। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली थी। अपने शिष्यों के साथ रहने में उन्हें महान सुख मिलता था। ये बात नहीं थी कि वे अनेक शिष्य बनाते थे और फिर उन्हें अपने कार्यों में लगाते थे। वास्तव में हम उनके लिए जितना कार्य करते थे उससे अधिक वे हमारे लिए करते थे। यात्रा के समय उनके साथ रहकर मैंने देखा है वे हमारे लिए कितना त्याग करते थे। अपनी बीमारी के समय भी वो शिक्षा देते थे, हम लोगों के लिए चिंतित रहते थे, हमारे कार्यकलापों की जानकारी लेते थे और एक एक शिष्य के विषय में पूछते थे। हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भी समय निकालते थे। प्रभुपाद हम लोगों से पृथक नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि हम लोग उन्हें उस स्नेह का प्रतिदान दें जो स्नेह वो हमेशा हमें देते थे, और जब हम उनके स्रोत का प्रतिदान उन्हें देते थे तो हमें उनका स्नेह और भी अधिक मिलता था। जहां तक मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का संबंध है, मैंने श्रील प्रभुपाद में एक ऐसा व्यक्तित्व पाया है जिस पर मैं अपना सब कुछ सच्चाई से बलिदान कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण भावना न कोई विश्राम के क्षणों का दर्शन है और न ही कुछ समय का धर्म। वो तो जीवन की अबाध गति है, अविरल धारा है। वो श्रेष्ठतम संस्कृति भी है जो मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का अंत कर सकती है। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद 12 वर्षों में विश्व की परिक्रमा 14 बार करते हैं और अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं, जिज्ञासुओं से भगवान श्री कृष्ण भावना पर चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, वास्तव में हमारी व्यक्तिगत निधि कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का है। हमने भगवान की निधि चुराई है और उस पर अपना अधिकार जताते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां अंग्रेज आए, पर क्या ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों की संपत्ति है? वो तो पहले से ही वहां था, अमेरिका भी था, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो रहेगा। इस सत्य के बीच हम आते हैं और अपना अधिकार जताकर कहते हैं ये संपत्ति हमारी है, और फिर झगड़ते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भावना की परंपराओं को पूर्ण वैभव के साथ पुनः जागृत करने के लिए प्रभुपाद एक ऐसे कृषक समाज की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र भगवान हो। सर्वप्रथम ऐसा समाज वो पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ी पर प्रारंभ करते हैं। इसे प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन का स्मरण कर नया वृंदावन नाम देते हैं। 1972 में श्रील प्रभुपाद
डेलास टेक्सास में भगवान श्री कृष्ण भावना पर आधारित प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं। सत स्वरूप दास गोस्वामी बतलाते हैं, श्रील प्रभुपाद व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं, जिसमें बालक नियमित अध्ययन के साथ आत्मबोध का ज्ञान भी पा सकें। इसका यह अर्थ हुआ कि गुरुकुल परिपाटी अनोखी थी, क्योंकि वहां शिक्षक स्वयं दुर्गुणों से परे होता था। आज के शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक पाना कठिन है, जो अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद यौन विकृतियों, मद्यपान तथा धूम्रपान से मुक्त हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण भावना के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्वयं भक्ति के ऐसे धरातल पर हो, जहां उसके विद्यार्थी उसे आदर्श मानकर चलें। जो शिक्षक कहता है, उससे अधिक जो वो करता है, उस सत्य से बालक शिक्षा ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुकुल में इसी प्रकार के आदर्शों का समावेश किया। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने शिष्यों को श्री मूर्ति पूजा की पवित्र परंपरा की ओर उन्मुख करते हैं, ताकि वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं समझे जा सकते, परंतु मूर्ति के रूप में वे स्वयं हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम मूर्ति की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे, तब हमारे मन से भौतिक वस्तुओं का आकर्षण नष्ट हो जाएगा। जो जो हम मूर्ति की सेवा करेंगे, त्यों त्यों हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी, और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. प्रभुपाद के शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हमने आपके देश में मूर्ति स्थापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रकट हुए, और अब वे आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश भी है। हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उलझा है, परंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए मार्ग पर चलेगा, तो वह इन सारी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य का बड़ा पतन हुआ है, अतएव उत्थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है। हरि नाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है। अमेरिका में आने के 5 वर्ष बाद तक श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भावना का परिचय पाश्चात्य नागरिकों को कराते हैं, जिसमें गृहणियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं। उसके बाद नवंबर 1971 में विश्व भ्रमण के पश्चात वे अपने कुछ अनुयायियों सहित दिल्ली आते हैं। वहां के मेयर उनका स्वागत कुछ ऐसे करते हैं जैसे घर लौटे किसी महान देश भक्त का किया जाता है। प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उद्धरण देते हैं, भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करे। यही भारत का सबसे महान वैभव है, और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है। दिल्ली के मैदान में 30,000 भारतीय एकत्र होते हैं। वे पाश्चात्य भक्तों को देखने और प्रभुपाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। To bring about this change in India, भावानंद गोस्वामी के शब्दों में, भारत में ये परिवर्तन लाने और भगवान श्री कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के लिए ही प्रभुपाद ने योजना बनाई थी कि वे अपने साथ नृत्य करने वाले श्वेत हाथी लाएं। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं अपने शिष्यों के साथ भारत आऊं, तो भारतीय मेरे नृत्य करने वाले श्वेत हाथियों को देखने अवश्य आएंगे। हमें प्रभुपाद के नृत्य करने वाले श्वेत हाथी बनकर बड़ा आनंद आता है। हमने उसे अपने पर प्रभुपाद की असीम अनुकंपा समझा कि उन्होंने हमें अपना नृत्य करने वाला श्वेत हाथी समझा, और हम भगवान श्री कृष्ण भावना के भारत प्रसार में उनका सहयोग दे सके। पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप स्थान के एक ज्योतिषी ने
प्रभुपाद का चित्र देखा, उनका भव्य चेहरा देखकर उसने भविष्यवाणी की थी, इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है कि वो सारे संसार को शांतिपूर्वक रखने के लिए एक घर बना सकता है। जब मैंने ये प्रभुपाद से कहा तो बोले, यही तो मेरा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भावना का भवन इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण विश्व शांतिपूर्वक रह सकता है। यद्यपि हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा था, फिर भी प्रभुपाद उसका मूल भारत भूमि पर ही रखना चाहते हैं। वे पश्चिमी बंगाल में मायापुर जाते हैं, जो भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थल है। वे भगवान चैतन्य ही थे जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व सामूहिक रूप से हरिनाम आंदोलन प्रारंभ किया था। मायापुर में भक्तों ने एक छोटा सा भूमिखंड खरीदा और उस पर अंतरराष्ट्रीय विश्राम गृह का निर्माण शुरू किया। भवन निर्माण की कला से अनभिज्ञ मुट्ठी भर भक्तों के लिए यह कार्य कठिन था। श्रील प्रभुपाद उन्हें निर्देश देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आवास के लिए घास की झोपड़ी से संतुष्ट हैं, परंतु यदि हमारे पास केवल घास की झोपड़ी ही हुई तो यहां कौन आएगा? हम अपनी धरती को जितना ही अधिक सजाएंगे उतने ही अधिक लोग आकर्षित होंगे। प्रभुपाद यहां ज्ञान का विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी से बड़ी वेदशाला समा सके और उसके चारों ओर आध्यात्मिक नगर हो, जिसमें पाठशालाएं, दुकानें, खेत और अनेकों छोटे छोटे मंदिर हों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा सके। अनेकों लोग आते हैं, श्री प्रभुपाद के आंदोलन में सक्रिय सहयोग देते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि मंदिर के आसपास 10 मील की परिधि में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मार्च 1972 में भक्त इस्कॉन का प्रसाद वितरण आंदोलन प्रारंभ करते हैं और प्रसाद तथा शाकाहारी भोजन भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य के पश्चात बांटते हैं। जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है, प्रभुपाद 6 महाद्वीपों से अपने शिष्यों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्मदिवस समारोह में एकत्र हो सके। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की आयोजित यात्रा पर विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भक्त यमुना के निर्मल जल में स्नान कर धन्य होते हैं। प्रभुपाद देश की महानगरी बंबई में भूमिखंड प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनके पास मंदिर के लिए छोटी सी झोपड़ी थी, फिर भी वे अंतरराष्ट्रीय संस्कृत केंद्र का स्वप्न देखते हैं। उनकी कामना है कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन का अमृत पान कर सकें, चाहे वो दार्शनिक तत्वों से हो चाहे आध्यात्मिक भोजन से। वो तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, आशावान हो और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। बंबई के एक वरिष्ठ उद्योगपति डॉक्टर एन डी देसाई उन दिनों का स्मरण करते हैं। उन्हीं के शब्दों में, 1971 से लगाकर 1977 के बीच मैं अनेकों बार श्रील प्रभुपाद से मिला और हर बार मैंने उनमें दोष निकालने की कोशिश की, उन्हें क्रोधित करने का प्रयास भी किया। एक बार तो मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि लालची हैं या नहीं, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। मैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। वास्तव में हम व्यापारिक जीवन में या दैनिक जीवन में दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाना चाहते हैं और व्यापार में उनकी कमजोरियों से लाभ भी उठाते हैं, परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी उत्तेजित ही नहीं होते थे। उनमें न किसी प्रकार की वासना थी और न ही किसी प्रकार की लिप्सा। द्वेष उनसे कोसों दूर था। उसके बाद उन 6 वर्षों का अनुभव लेकर मैंने अनुभव किया कि वे अलौकिक शक्तिमान एक दिव्य पुरुष हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे सभी स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। बंबई में संगमरमर का विशाल मंदिर, एक स्टेज, एक भोजनालय, एक पुस्तकालय तथा 2 मीनारों वाला 7 मंजिलों का आश्रम।
मायापुर में योजनाबद्ध आध्यात्मिक नगर पनप रहा है। वृंदावन में जनप्रिय कृष्ण बलराम का मंदिर, एक अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह तथा एक माध्यमिक शाला। प्रभुपाद देखते हैं कि उनकी संस्था विश्वव्यापी मंडल का रूप ले रही है, जिसमें 100 से अधिक मंदिर, भोजनालय, संस्थाएं, शालाएं तथा कृषक समितियां हैं। भगवान श्री चैतन्य ने 500 वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम विश्व के गांव-गांव और नगर नगर में गूंजेगा। 70 के दशक के मध्य तक हरे कृष्ण घर घर में व्याप्त गया। प्रोफेसर कॉक्स के शब्दों में, जब मैं पहली बार हरे कृष्ण भक्त से मिला तो मुझे आज भी स्मरण है, मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ था। उनका परिधान, उनका जाप और केश विहीन सिर सभी मुझे अनोखे लगे थे। पर जो जो मैं उस आंदोलन के संबंध में अधिकाधिक जानता गया, क्यों त्यों मेरी धारणा बदलती गई। उनकी शिक्षा के तत्वों में मुझे वही भाव मिले जो मेरी समझ के अनुसार ईसाई मन में है। सारा जीवन भौतिक वस्तुओं के संग्रह का निषेध, प्रत्येक जीव के प्रति ममता तथा प्यार, पीड़ा आदि बांटकर प्रसन्न रहने का संदेश। मैं इस बात से अधिक प्रभावित हूँ कि किस प्रकार एक व्यक्ति की शिक्षा और उसके द्वारा लाई आध्यात्मिक परंपरा ने इतने व्यक्तियों को अपना लिया। मेरा निश्चित मत है कि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और चिरस्थायी भी। बाल्यकाल में श्रील प्रभुपाद अपने निवास के पास कलकत्ता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव अपने सखाओं सहित मनाते थे। इतने वर्षों बाद वे रथ यात्रा का त्योहार आज भी मनाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब वह रथ यात्रा विश्व के 20 बड़े शहरों की प्रमुख सड़कों पर सैकड़ों शिष्यों और अतिथियों के साथ मनाई जाती है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, लोग अमेरिका निवासियों के पीछे भागते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं और देखता हूं, वे गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना रहे हैं, आपके देश का अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए यदि आप भगवान श्री कृष्ण भावना को अपनाते हैं, उनका जप करते हैं, भाव विभल होकर नृत्य करते हैं, तो सारा विश्व आपके पद चिन्हों पर चलेगा और फिर यह वैकुंठ बन जाएगा, कष्टों से हमें त्राण मिल जाएगा। धन्यवाद। चाहे सामने अपार जनसमूह हो या गिने चुने शिष्य या अकेले श्रील प्रभुपाद, सदैव एक भक्त के रूप में ही दिखे। गौरंग गुण से झूरे पितलिया करे गौरंग गुण से झूरे पितलिया करे जन भगती श्रील प्रभुपाद विश्व के किसी भी भाग में रहें, उनकी दिनचर्या नियमित रही।
प्रातःकाल के निर्मल और शांत वातावरण में टहलते, फिर विद्यार्थियों और अतिथियों के साथ अंतरंग होकर समय बिताते। धोती और रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर वे अपने विद्यार्थियों को अपना ज्ञान और वैचारिक क्षमता बढ़ाने का परामर्श देते हैं। टहलने के बाद श्रील प्रभुपाद भगवत मूर्ति की वंदना करते, साष्टांग प्रणाम करते, तब श्रीमद् भागवतम के किसी श्लोक पर प्रवचन करते। You may have $2 million, I may have $10, you may have $100. Everyone has got some riches. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपके पास $20 लाख हैं, मेरे पास 10 हैं, आपके पास $100 होंगे, अर्थात सभी के पास कुछ न कुछ संपत्ति है, परंतु ये कोई नहीं कह सकता उसके पास ही सारी संपत्ति है, ये संभव नहीं। यदि कोई ये कह सकता है कि उसके पास सारी संपत्ति है तो वो ईश्वर है, भगवान है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कृष्णा से भोक्तारम जगदमथां सर्वलोक महेश्वरम। इतिहास में ऐसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सभी वस्तुओं का रस लेता हूँ और विश्व में सभी का स्वामी भी मैं ही हूँ। ये कौन कह सकता है, वही ईश्वर है। लॉस एंजलिस में मध्याह्न के बाद श्रील प्रभुपाद अपने अतिथियों तथा धर्मविदों से मिलते हैं। Your pride, your property, your family, श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपका हम, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी बैंक में जमा राशि, आपकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं सब ले ली जाती हैं, फिर सब समाप्त, बाहर निकलो, यही ईश्वर है। अब ईश्वर समझ में आया? आप इस पर विश्वास करें या न करें, ईश्वर एक दिन आएगा, आपको ले जाएगा, आपकी हर वस्तु ले जाएगा और आप बाहर होंगे। भगवत गीता में यही कहा है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके पास मैं मृत्यु बनकर आता हूँ और उनका सब कुछ ले जाता हूँ। इस पर विश्वास करना पड़ता है। जिस तरह मृत्यु सत्य है, उसी तरह ईश्वर भी सत्य है। इसलिए जब तक मनुष्य पागल नहीं है, वो नहीं कहेगा कि ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वो पागल है। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को दृष्टिहीन और मूर्ख कहे तो अच्छा है। पागल सभी मूर्खताओं का योग है। श्रील प्रभुपाद जहाँ भी होते हैं अपना सारगर्भित लेखन करते रहते हैं। सूर्योदय के पूर्व उठकर वे संस्कृत और बंगला के मौलिक ग्रंथों के अनुवाद और उनकी टीका में घंटों व्यतीत करते हैं। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। श्रील प्रभुपाद देखते हैं 6 करोड़ प्रतियां 28 भाषाओं में वितरित हो रही है। दर्जनों विश्वविद्यालयों के आचार्य उनकी पुस्तकों को आदर्श पाठ्य ग्रंथों के समान उपयोग में लाते हैं तथा उन पर प्रशंसात्मक टीकाएं लिखते हैं। डॉक्टर जूरा के शब्दों में, पाश्चात्य विश्व को उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तिमय दर्शन से प्रथम बार परिचित कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन पाठ्य ग्रंथों का परिचय भी उन्होंने भिन्न रीति से कराया है। मैंने भगवत गीता के अनेकों अनुवाद पढ़े हैं जिनकी व्याख्या अद्वैतवाद के दर्शन की भांति अवैयक्तिक है, और ये अनुवाद आप इसे प्रथम बार भी कह सकते हैं। सच्चे अर्थों में ये भक्तिमय अनुवाद है, आध्यात्मिक अनुवाद है। मेरा विश्वास है कि यही अनुवाद भगवत गीता के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य के समीप आता है। 1972 में स्थापित भक्ति वेदांत पुस्तक संस्थान मूलतः श्रील प्रभुपाद की कृतियों का प्रकाशन करता है। ये संस्थान भारतीय धर्म और दर्शन की पुस्तकों का महानतम वितरक बन गया है। श्रील प्रभुपाद का श्रेष्ठतम ज्ञान इन पुस्तकों का प्राण है,
जो हरे कृष्ण आंदोलन का आधार है। भविष्य इसका साक्षी होगा कि यह आंदोलन अगले 10,000 वर्षों तक प्रगति करता ही रहेगा। 1977 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बाद भी श्रील प्रभुपाद अपनी यात्राएं और शिक्षा का कार्य अनवरत करते हैं। फरवरी 1977 विश्व की महानतम तीर्थ यात्रा कुंभ मेला जो इलाहाबाद में होता है, शरीर की शिथिलता के बाद भी श्रील प्रभुपाद यहां उपस्थित होते हैं। उनके शिष्य कीर्तन करते हैं और बैक टू गॉड हेड पत्रिका की प्रतियां वितरित करते हैं। Practically from the very beginning, Srila कीर्तनानंद स्वामी के शब्दों में, वस्तुतः प्रारंभ से ही श्रील प्रभुपाद ने हमें चेतावनी दे दी थी कि वे सदैव हमारे साथ नहीं रहेंगे। वास्तव में 26 एवेन्यू में अपने कार्य के प्रारंभ में कुछ माह बाद ही वे बीमार पड़ गए। उस समय हम भयभीत हुए थे कि वो तभी हमारा साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, किसी भी क्षण विदा ले सकता हूँ। 3, 20 और 10 वो बीत गया है, मैं पूर्व सूचना दे रहा हूँ। प्रभुपाद इस भ्रांति में कभी नहीं थे कि वे सदैव हमारे साथ इस संसार में रहेंगे, परंतु उन्होंने कहा मेरी शिक्षा रहेगी, और उन्होंने प्रारंभ से हमें अपनी शिक्षा के योग्य बनाया, प्रशिक्षित किया तथा अपने व्यक्तित्व का उपयोग करना सिखाया। उनकी इच्छा थी हम उनके आदर्शों का पालन कर भगवान श्री कृष्ण का वैभव और प्रदीप्त करें। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, फिर भी श्रील प्रभुपाद बंबई के रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रवचन करते। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे मई में हिमालय की तराई के नगर ऋषिकेश गए। वहां भी वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात अक्टूबर में श्रील प्रभुपाद अपने पुराने निवास वृंदावन को लौटते हैं, जहां वे अपने अंतिम दिन व्यतीत कर सकें। शारीरिक अयोग्यता के बाद भी श्रील प्रभुपाद की बौद्धिक क्षमता सुदृढ़ है। वे अपनी महान कृति श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका लिखाते हैं। उस दिन तक, जिस दिन तक वे संसार से विदा नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सभी अभिनय है, भगवान श्री कृष्ण की महत इच्छा पर घूमना है, यही भगवान श्री कृष्ण भावना है। November 14, 1977 श्री श्रीमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रादुर्भूत हो गए। वह दिव्य व्यक्तित्व जिसने अनेक विषयों पर हजारों अर्थ वाले शब्द कहे, जिसने हजारों ढंग से ज्ञान दिया, जिसने हजारों भक्तों को प्रेरणा दी, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण में लौट गया। भक्तों पर असीम कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्रील प्रभुपाद का सामीप्य दिया। अपने कार्यों में स्वाधीन भगवान श्री कृष्ण ने यह सामीप्य समाप्त कर दिया। फिर भी श्रील प्रभुपाद रहेंगे, वे अमर हैं, वे अपनी शिक्षा में सदैव रहेंगे, वे अपने अनुयायियों के हृदय में सदैव रहेंगे, उनके शुभ चिंतक बनकर वे सदैव उनका नियंत्रण करेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.